यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पानी का तांडव देखने को मिल रहा है। तो अब आपको देश के चार राज्यों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां अगस्त का महीना खत्म हो चुका है लेकिन बारिश अभी तक खत्म नहीं हुई है। मॉनसून का कहर इस तरह देखने को मिल रहा है कि लोगों को अब भी जल जमाव की वजह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम की तस्वीर देखिए, मंदसौर के हालात, बेगूसराय से लेकर नासिक तक जल तांडव देखने को मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम की कुछ तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भारी बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से सैलाब में तब्दील हो चुका था। हालांकि यहाँ पर फिर जबरन कुछ लोग अपनी गाड़ी से रास्ता पार करते नजर आए, लेकिन कई तरह की डरावनी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई है कि किस तरह से ये कोशिश कई बार हादसों में तब्दील हो जाती है। पानी का जो बहाव है वो गाड़ी समेत इंसान को ले बहता है। और ऐसे में नासिक की ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी जो प्रचंड पानी का वेग है वो देखने को मिल रहा है और कई तरफ से जो डैम है उनके गेट खोले गए हैं। नासिक की तस्वीर महाराष्ट्र से सामने आई है, जहां पर सड़कों पर भी भारी बारिश की वजह से सैलाब देखने को मिला और नदियां पूरी तरह से उफान पर आ गई हैं। शहर जलमग्न नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के नासिक के बाद वाराणसी की तस्वीरें दिखाएंगे। वाराणसी में भी गंगा का तांडव देखने को मिला था, जब नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से तमाम जो घाट हैं वो पानी में डूब गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि अब नदी का जो स्तर है वो कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। वाराणसी का रुख करेंगे, संवाददाता आशुतोष हमारे साथ यहां से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या हालात है वहां पर? बताया जा रहा था कि 84 घाट पानी में डूबे नजर आए, यहां तक कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका था। अब देखिए, अगर वाराणसी की बात करें तो अभी भी जो गंगा का जल स्तर है खतरे के निशान के लगभग करीब अभी भी बना हुआ है और इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं अभी भी उसी तरह जस की तस कायम है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि अभी भी वाराणसी में जो सैलाब का सितम है और जो बाढ़ की स्थिति है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। देखिए, ये पूरा घाट दशाश्वमेध है और यहाँ पर आमतौर पर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता था, लेकिन अभी भी ये घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं वो पानी के आगोश में है। इसके अलावा जो सीढ़ियां हैं उनका तो नामो निशान ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने ये जल पुलिस का ये चौकी है, लेकिन ये अभी भी पानी में समाहित है। हालांकि जो जल स्तर है वो प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से जरूर कम हो रहा है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से वाराणसी और आसपास के जिलों में बारिश हो रही है उसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा है फिर से एक बार लोगों को डराने लगा है, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि अभी जो रफ्तार है वो कम है, खतरे के निशान के लगभग करीब है, लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, अगर ऐसी ही बारिश अगले 1 से 2 दिनों तक और होती है तो खतरा फिर से एक बार बढ़ सकता है। फिलहाल अगर वाराणसी की बात करूं मैं तो वाराणसी के सभी जो 84 घाट हैं अभी भी पूरी तरीके से जलमग्न हैं, उनकी जो आवाजाही है वो रुक चुकी है। इसके अलावा गंगा के साथ साथ जो वरुणा नदी है उसका जो तटवर्ती इलाका है, एक बड़ी आबादी अभी भी पानी के आगोश में है, बाढ़ की चपेट में है। तस्वीरें भी हम जो देख रहे हैं आपके पीछे कि गंगा का स्तर वाकई खतरे के निशान के बराबर या ऊपर नजर आ रहा है और तस्वीरें हम देख रहे हैं सीढ़ियां पूरी तरह से गायब हैं। दशाश्वमेध घाट, वो घाट बनारस का जहां शायद ही ऐसा नजारा हमने कभी देखा हो कि एक शख्स वहां कोई नजर नहीं आ रहा है, जो 24 घंटे दिन हो या रात वहां टूरिस्ट की भीड़, लोकल लोगों की भीड़ नजर आती है। ऐसे में अलर्ट भी जारी किया गया था, न सिर्फ आम जनजीवन पर बल्कि टूरिज्म पर भी यहां पर आशुतोष बारिश की वजह से काफी ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल, अगर टूरिज्म की बात करें तो बनारस का जो टूरिज्म है वो खासतौर से घाटों के जो घाट किनारे जो लोग आने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बारिश की वजह से ये पूरे घाट पर तकरीबन लगभग सभी जलमग्न हो चुके हैं। और आप देख सकती हैं जो नावें हैं, छोटी बड़ी सभी नावें जो हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं और अब किनारे पर बंधी हुई है। तो निश्चित तौर पर जो एक टूरिज्म के भरोसे जो एक आजीविका चलती है, खासतौर से जो नाविक हैं, यहाँ के पंडे हैं या स्थानीय जो लोग हैं, उन जो दुकानदार हैं, उनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप पड़ा है। आप देख सकते हैं कि सामने जो नाविक हैं वो असर पड़ा है आम जनजीवन पर भी और यहाँ लोकल जो लोग हैं जिनका व्यवसाय घाट पर आने वाले लोगों की वजह से होता था उस पर भी।